हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। तो सॉल्यूशन चैप्टर हम लोग चला रहे थे, पांच लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। आज सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर सिक्स। तो बच्चों, लेक्चर नंबर सिक्स में एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ में डिस्कस करेंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। इससे पिछले वाले वीडियो में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, एक छूट गई थी। आज के वीडियो में उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे और दूसरा मैंने क्या बोला, एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास। तो दो चीजें आज के वीडियो में होने वाली है। तो सबसे पहले बच्चों डिस्कस करते हैं, वो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसका नाम क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ साथ आपको क्या पढ़ना है, ऑस्मोसिस, ठीक है बच्चों। तो चलो देखते हैं व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाट इज ऑस्मोसिस। एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, उस एग्जाम्पल से आपको ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस दोनों समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने डिस्कस किया था कि वो प्रॉपर्टी किसी आइडियल सॉल्यूशन की जो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, न कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पे। तो सेम कंसेप्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर में भी। तो चलो देखो, है ना। तो हमारे पास इस तरह का एक बीकर मैंने लिया है ना बच्चों, और उस बीकर को मैंने यहां पर डिवाइड कर दिया एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। दिस इज कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चों, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये बीच में मैंने रख ली। इस तरफ मैं अलग सॉल्यूशन रखूंगा, इस तरफ मैं अलग सॉल्यूशन रखूंगा। सपोज मान लिया जाए यहां मैंने रखा सुगर सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों, इधर। तो एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन मैं यहां पर रखने वाला हूं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, जिसको मैं नाम दूंगा सुगर सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों, कॉन्सेंट्रेटेड सुगर सॉल्यूशन, ठीक है। चलो ये वाला, इधर मैं रखूंगा कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। चलो तो यहां पर डाइल्यूट सॉल्यूशन, या चलो मैं लिख देता हूं यहां पर, मैं वाटर को रखता हूं, है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। दिस इज वाटर, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, देखो, एक तरफ हमने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन रखा है जिसमें कि वाटर कम है, सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा, ये तो है ना, शुगर ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है। यहां पर केवल सॉल्वेंट है, यानी केवल वाटर है, ठीक है। अब होगा क्या बच्चों, कि जब दोनों सॉल्यूशन को मैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अलग अलग सेपरेट करता हूं, तो होगा क्या, यहां से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगे। माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इनटू या टुवर्ड्स कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। ये तब तक माइग्रेट होते रहेंगे जब तक इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन और इसकी कॉन्सेंट्रेशन सेम ना हो जाए। तो लगातार वाटर मॉलिक्यूल यहां पर आता रहेगा और ये बच्चों ये सॉल्यूशन क्या होता रहेगा, डाइल्यूट होता रहेगा, और तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं हो जाती है। समझ में बात आ गई, ठीक है। अच्छा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ने क्या किया, देखो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है बच्चों, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है जो सॉल्वेंट के पार्टिकल को तो पास कर देती है लेकिन बच्चों सॉल्यूट के पार्टिकल को पास नहीं करने देती। तो सॉल्यूट कहां पर है, ये वाला शुगर एज ए सॉल्यूट, तो शुगर के पार्टिकल इधर इस साइड मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, उस साइड नहीं जाएंगे, तो सॉल्यूट तो यही रहेगा। अब सॉल्वेंट यहां कम है, यहां ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ज्यादा से कम की तरफ, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल यहां से और यहां माइग्रेट हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो अब बात करते हैं हम पहले ऑस्मोसिस की। तो यहां से हम डेफिनेशन बनाएंगे ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, ठीक है। तो यही होता है ऑस्मोसिस बच्चों, क्या होता है, देखो, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट टुवर्ड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन,
concentrated solution is called osmosis, ठीक है, या हम लिख सकते हैं migration of the solvent particle, this is called solvent, है ना, migration of solvent particle towards concentrated solution through, अच्छा एक और चीज लिखनी है, through semi permeable membrane is called osmosis, समझ के बात मेरी। और बच्चों ये ऑस्मोसिस तब तक होता रहेगा, यानी सॉल्वेंट के पार्टिकल तब तक आते रहेंगे जब तक दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाती है, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, समझ में बात आएगी, ठीक है। अब देखो बच्चों ये जो ऑस्मोसिस है ये किस पे डिपेंड करेगा, यहां कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन यहां होगी उतनी ज्यादा सॉल्वेंट के पार्टिकल यहां माइग्रेट करेंगे, है ना कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा बच्चों देखो जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं वो इस साइड आ रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रेशर वो यहां पर क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम इस सॉल्यूशन पर एक यहां पर प्रेशर लगाएं, किसी पिस्टन के थ्रू हम यहां पर प्रेशर लगाएं कि ये सॉल्वेंट के पार्टिकल यहां ना आ पाए, देखो है ना, यानी द प्रेशर अप्लाइड ऑन द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, बस ये तो हुआ। तो बच्चों ऑस्मोसिस को रोकने के लिए हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन पर जितना प्रेशर लगाते हैं, जितना प्रेशर लगाते हैं उस प्रेशर को उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, क्या डेफिनेशन बनी, देखो यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या डेफिनेशन बनी, द मिनिमम प्रेशर, द मिनिमम प्रेशर अप्लाइड टू द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, अप्लाइड टू द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस या टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ सॉल्वेंट इनटू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये तो है ना ऑस्मोटिक प्रेशर कि इस सॉल्यूशन पे लगाया गया मिनिमम प्रेशर जो इस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को यहां आने से रोकता है उस प्रेशर को हम बोलेंगे बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। और जो बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन पर, ठीक। तो यहीं पर लिख देंगे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इज डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। अगर बच्चों कम कॉन्सेंट्रेशन होगी तो कम प्रेशर लगाना पड़ेगा, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी तो ज्यादा मॉलिक्यूल इधर आएंगे, कम कॉन्सेंट्रेशन होगी तो कम मॉलिक्यूल इधर आएंगे, और कम कॉन्सेंट्रेशन होगी तो कम मॉलिक्यूल। सीधी सी बात है कि प्रेशर कितना लगाना पड़ेगा डिपेंड करेगा कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, समझ में बात आ गई, नोट करो जरा फटाफट। तो ये था बच्चों हमारे पास व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोसिस, समझ लिया बात आपने, ठीक है। अच्छा जो हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज करते हैं जनरली वो सिंथेटिक हो सकती है या नेचुरल हो सकती है, ठीक है। तो सिंथेटिक में मैंने आपको बताया था सेल्युलोज एसिडेट की मेम्ब्रेन यूज करते हैं, सेलोफेन मेम्ब्रेन हम यूज करते हैं, ठीक है। और अगर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन यानी नेचुरल मेम्ब्रेन की बात करें तो किसी एनिमल की स्किन का हम यूज करते हैं एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। इतना समझ में आ गया।
चलो अब इसका मैथमेटिकल इक्वेशन देखते हैं हम कैसे कैसे होता है ना बच्चों। बहुत अच्छी बात है, चलो तो ऑस्मोसिस समझ में आ गया, ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आ गया, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और सारी के सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है बच्चों, द नंबर ऑफ पार्टिकल पर, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर इसको हम बच्चों डिनोट करते हैं पाई से, पाई, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिपेंड्स ऑन दो चीजों पे डिपेंड करेगा, नंबर वन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट है ना, दूसरा सॉल्यूट नहीं बच्चों सॉल्यूशन है ना, उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है बच्चों। और दूसरा डिपेंड करता है बच्चों टेम्परेचर पर, ठीक है। अच्छा अब देखो, तो जो हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो हम यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर सी इन टू टी, ठीक है। अच्छा अब इसको हटाना है तो हम एक यहां पर पाई इक्वल टू आर सी टी, आर एक तरह का कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन कांस्टेंट, आर इक्वल टू सॉल्यूशन कांस्टेंट। और बच्चों इस सॉल्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू उतनी होती है जितनी गैस कांस्टेंट की होती है, तो सो ऑल्सो कॉल्ड इज कॉल्ड गैस कांस्टेंट। तो गैस कांस्टेंट तो आपने पढ़ा होगा, तो आर इक्वल टू गैस कांस्टेंट या आप सॉल्यूशन कांस्टेंट बोलो, तो पाई इक्वल टू आर सी टी, या इसको हम शॉर्टकट में कहीं बोलते हैं सी टी सी आर टी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो जो कंसंट्रेशन है वो किस पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है एन बाई वी, मतलब एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स और वी का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो सी की जगह में हम क्या लिख सकते हैं एन बाई वी, तो एक नई इक्वेशन आ जाएगी पाई इक्वल टू एन बाई वी आर टी, ठीक है। अब बच्चों यहां पर एक नई इक्वेशन और आ गई पाई वी इक्वल टू एन आर टी, ये देखो तो आपने पढ़ा होगा पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो यहां पर है पाई वी इक्वल टू एन आर टी, ये बच्चों सेम टू सेम गैस कॉस्ट गैस लॉ के जैसे है, ठीक है। तो जितने भी हमारे आइडियल सॉल्यूशन है ये बहुत डाइल्यूट कंसंट्रेशन में काम करते हैं, और डाइल्यूट कंसंट्रेशन में ये बिल्कुल कैसे जैसे बिहेव करते हैं, आइडियल गैस जैसे भी, आइडियल गैस के जैसे बिहेव करते हैं, इसलिए ये इक्वेशन और जो हमारे आइडियल गैस इक्वेशन है वो लगभग सेम होती है, ठीक है। और इस इक्वेशन को हम बच्चों बोलते हैं वॉन्ट हाफ इक्वेशन, वॉन्ट हाफ इक्वेशन, ठीक है, याद रहेगा पाई वी इक्वल टू एन आर टी। अच्छा अगर हमें ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू किसी सब्सटेंस का मॉलिक्युलर वेट पता करना हो तो कैसे करेंगे, देखो अब यहीं पर मैं आपको बता देता हूं, है ना, इधर ही करते हैं, आर तो मालूम हो गया आपको, ठीक है। अच्छा देखो एन इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सब्सटेंस यानी डब्ल्यू बटे मॉलिक्युलर वेट, तो n की जगह में हम क्या रखेंगे w बाई वी। तो अब नई इक्वेशन क्या बनेगी पाई v इक्वल टू w इंटू आर इंटू टी बाई m, m क्या होता है बच्चों मॉलिक्युलर मास ऑफ सल्यूट, ये तो आना सल्यूट मॉलिक्युलर मास, तो नंबर ऑफ मोल का मतलब ये तो आना कि उस सल्यूट का वेट कितना है, वेट ऑफ सल्यूट बाई उस सल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कितना है, ठीक है। ये क्या, तो m को इधर रखो और π
पाई वी को नीचे ले जाओ तो मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू डब्ल्यू इंटू आर इंटू टी बाई पाई इंटू वी। तो इस ऑस्मोटिक प्रेशर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी सॉल्यूट का मॉलिकुलर मास भी निकाल सकते हैं कि वो कितनी कॉन्सेंट्रेशन में वहां पर प्रेजेंट है। समझ में बात आ गई, तो नोट करो जरा फटाफट, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई, ये आपको हेल्प करेगी ये सारी इक्वेशन कैलकुलेशन करने में, ठीक है बच्चों, समझ में बात आए। चलो मिटा दो इसको। तो जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है सबसे हम मॉलिकुलर मास को निकाल सकते हैं, लेकिन बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जहां पर मॉलिकुलर मास को निकालना सबसे आसान है, सबसे आसान है, ठीक है। अच्छा चलो देखो नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम जो हमारा ऑस्मोटिक जो ऑस्मोसिस है उसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या होता है, ठीक है बच्चों, देखो है ना। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है चलो देख लेते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, किसी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन, ये तो हमने मान लिया था, ठीक है। तो बच्चों एक चीज आपको याद रखनी है कि जो हमारा ब्लड है, जो हमारा ब्लड प्लाज्मा है वो भी एक तरह का सॉल्यूशन है, ठीक है। और जब हम अपने बाहर से कोई इंजेक्शन देते हैं तो वो भी एक तरह का सॉल्यूशन होता है। तो हमारे ब्लड प्लाज्मा में और जो बाहर से हमने सॉल्यूशन इंजेक्ट किया है उसकी ऑस्मोटिक प्रेशर, उन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए। अगर जब उन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा तो हमारी जो सेल्स है या जो ब्लड सेल है उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उसका ऑस्मोटिक प्रेशर और बाहर वाले सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंस होता है तो कहीं ना कहीं बच्चों कुछ कॉम्प्लिकेशन पॉसिबल है। तो एक मैं सॉल्यूशन आपको बताता हूं कि जो भी चीज हम बाहर से इंजेक्ट करते हैं, जो भी सॉल्यूशन हम अपने ब्लड में डालते हैं एज ए इंजेक्शन, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, उसकी कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए बच्चों, यानी उसमें सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, NaCl सॉल्यूशन इज जीरो पॉइंट NaCl सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक, आइसोटोनिक विद ब्लड प्लाज्मा, बस ये लाइन आपको याद रखनी है। यानी जो भी सॉल्यूशन हम बाहर से इंजेक्ट कर रहे हैं उसमें कितना परसेंट NaCl होना चाहिए, 0.9% NaCl होगा W/V, तो वो जो सॉल्यूशन होगा बच्चों वो हमारे ब्लड प्लाज्मा के आइसोटोनिक होना चाहिए। आइसोटोनिक मतलब कि उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर और हमारे ब्लड प्लाज्मा का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, समझे मेरी बात, ठीक है। तो अगर बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंट होता है तो क्या होगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो तीन एग्जांपल मेरे पास है, तीन कंडीशन मैं आपको बताता हूं। ये हमारी आरबीसी है सपोज, है ना आरबीसी, ठीक है, दिस इज आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, और आपने रेड ब्लड सेल को किसी सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया, ठीक है, देखो ठीक है। तो बच्चों यहां पर जो सॉल्यूशन है वो कॉन्सेंट्रेटेड ज्यादा है, मोर कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरी कंडीशन में आपने क्या किया, आरबीसी को किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन में डाल दिया, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। और तीसरी कंडीशन में आपने आरबीसी को ऐसे सॉल्यूशन में डाल दिया जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आरबीसी से बराबर है, यानी 0.9% W/V NaCl, है ना, ठीक है। अच्छा देखो, अब देखो बाहर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेटेड, मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन आरबीसी, क्योंकि आरबीसी एक तरह की सेल है और सेल के अंदर भी क्या है, सॉल्ट होते हैं,
तो इसके अंदर भी समझो एक तरह का सोल्यूशन है और बाहर भी सोल्यूशन है, और ये जो बच्चों मेम्ब्रेन है ये एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन काम कर रही है। तो बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो होगा क्या, अंदर से जो लिक्विड है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा थ्रू ऑस्मोसिस। ये तो बताया था डाइल्यूट, यानी यहां डाइल्यूट है, यहां कॉन्सेंट्रेशन है, डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ जाएगा। तो क्या होगा बच्चों, सेल विल बी श्रिंक। दिस कंडीशन इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। दिस कंडीशन इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। तो बच्चों जब सेल के अंदर से सारा के सारा पानी बाहर निकल जाएगा तो सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। इस कंडीशन को हम प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। और ये जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हमने यहां पर रखा है तो ये ब्लड सेल के हिसाब से ज्यादा कंसंट्रेटेड है, इसका मतलब ये कौन सा सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है इसकी ऑस्मोटिक, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेल के ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है, या इसकी कॉन्सेंट्रेशन सेल के कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा है, सीधी सी बात है, समझ में बात आ गई। दूसरी कंडीशन देखो, इस समय यहां कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बाहर डाइल्यूट है, ठीक है। तो होगा क्या बच्चों, इस समय बाहर से सॉल्वेंट अंदर की तरफ माइग्रेट होगा, ये तो होगा, तो सेल क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, सेल बिकम स्वेल। इसको बोलते हैं हीमोलाइसिस, हीमोलाइसिस। अच्छा, यहां डाइल्यूट सॉल्यूशन है, अंदर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो बाहर के हिसाब से सॉल्यूशन क्या हुआ, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, यानी यहां ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, यहां ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक, ठीक है। अच्छा, अब देखो बाहर की कॉन्सेंट्रेशन 0.9% NaCl है, बिल्कुल ब्लड प्लाज्मा के जैसे ही, और अंदर की कॉन्सेंट्रेशन तो उतनी होती है, तो इतनी कॉन्सेंट्रेशन हमारे किसी भी सेल के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होती है, तो दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और यहां पे न तो सॉल्वेंट बाहर माइग्रेट होगा, न तो सॉल्वेंट अंदर माइग्रेट होगा, इसका मतलब यह हुआ कि सेल के अंदर की कॉन्सेंट्रेशन और बाहर के सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन सेम है। जब कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस ही नहीं है तो सॉल्वेंट के माइग्रेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो सेल क्या रहेगी बच्चों, इंटैक्ट रहेगी, ठीक है। तो ये डिफरेंट सेल को डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक में डालोगे क्या होगा, हाइपोटोनिक में डालोगे क्या होगा, और आइसोटोनिक में डालोगे क्या होगा, समझ में बात आ गई, ठीक है। तो प्लाज्मोलाइसिस, हीमोलाइसिस एंड इंटैक्ट सेल, ठीक है बच्चों। तो जो भी इंजेक्टेबल प्रिपरेशन होती है, जो भी इंजेक्शन होता है, उसमें बच्चों हम क्या करते हैं, 0.9% NaCl के सॉल्यूशन का यूज करते हैं, तो वो कभी भी हमारी बॉडी के अंदर जाके कॉम्प्लिकेशन नहीं करेगा, ठीक है। चलो इतना हो गया। अब बच्चों बात करते हैं कि एक और कंडीशन आती है, आपने सुना होगा एडिमा, एडिमा, एडी का मतलब, एडिमा का मतलब होता है एक्युमुलेशन ऑफ वाटर, या सीधी शब्दों में लिखो तो स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट, जैसे फेस, लेग्स, लंग्स एटसेट्रा, है ना, बॉडी पार्ट के अंदर पानी भर जाता है, वो स्वेल हो जाते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्युमुलेशन ऑफ वाटर, एक्युमुलेशन ऑफ द वाटर इनटू द सेल, और सेल क्या हो जाती है बच्चों, स्वेल हो जाती है। ये तभी पॉसिबल है जब हम ड्यू टू कंजप्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, जब हम ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्ट कंज्यूम करते हैं तो बच्चों क्या होता है, सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, तो पानी कहाँ जाता है, ब्लड से सेल के अंदर पहुंच जाता है, तो सेल क्या हो जाती है, स्वेल अप हो जाती है, तो उसी कंडीशन को हम बोलते हैं एडिमा, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज इसमें आती है, लास्ट आपको यह पढ़ना है रिवर्स ऑस्मोसिस, क्या पढ़ना है,
VERSE, रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी ऑस्मोसिस का उल्टा, ठीक है। और बच्चों रिवर्स ऑस्मोसिस का सबसे अच्छा यूज होता है डिसलाइनेशन ऑफ सी वाटर, सी वाटर से प्योर वाटर बनाना इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, और इसको हम बोलते हैं डिसलाइनेशन ऑफ सी वाटर। कैसे होता है देखो, यहां पर हमने जो है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रखी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और बच्चों ये बनी होती है सेल्यूलोज एसीटेट, ठीक है, याद रखी। इस साइड हमने जो है सी वाटर लिया, सी वाटर, तो सी वाटर का मतलब होता है यहां कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, मोर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और बच्चों यहां हमने लिया प्योर वाटर, प्योर वाटर, तो यहां कंसंट्रेशन कम है इसके मुकाबले, ठीक है। अच्छा, यहां प्योर वाटर है, यहां सी वाटर, यहां कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ऑस्मोसिस क्या बोलता है कि यहां से सॉल्यूशन के पार्टिकल इधर जाएंगे, ये तो होगा ना, यहां से सॉल्वेंट के पार्टिकल ज्यादा कॉन्सेंट्रेट की तरफ जाएंगे। लेकिन बच्चों अगर हमने यहां पर प्रेशर अप्लाई किया तो सॉल्वेंट यहां जाना रुक जाएगा, तो इस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस, ठीक है। हमने इतना प्रेशर अप्लाई किया कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यहां जाना रुक गए। लेकिन बच्चों क्या हो कि अगर हम बच्चों प्रेशर बढ़ाएंगे तो उल्टा इफेक्ट होगा, यहां के सॉल्वेंट यहां आना स्टार्ट हो जाएगा, सॉल्वेंट, ओनली सॉल्वेंट, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किसको परमिट करती है, सॉल्वेंट को परमिट करती है, सॉल्यूट को परमिट नहीं करती। तो सॉल्यूट के अंदर क्या है, NaCl, CaCl2, MgCl2, बहुत सारे सॉल्ट है, तो सॉल्ट तो यहीं रह जाएगा, केवल इसके अंदर का वाटर जो है यहां आना स्टार्ट हो जाएगा। जब हम प्रेशर किससे ज्यादा रखेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर तो केवल यहां के सॉल्यूशन को यहां आने से रोकेगा, ठीक है। तो अगर हमने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाया तो यहां का पानी यहां आना स्टार्ट हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। और हमें क्या मिलेगा बच्चों, अब यहां से प्योर वाटर आना स्टार्ट हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये जो सी वाटर है, सी वाटर से प्योर वाटर बनाना इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, समझ में बात आ गई, ठीक। तो रिवर्स ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, व्हेन द प्रेशर इज मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर द ऑस्मोसिस विल बी रिवर्स, ठीक है। तो क्या होगा, द पार्टिकल ऑफ सल्यूट, सॉरी इसमें क्या होगा, हम इसको बोल सकते हैं द माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू द डाइल्यूट सॉल्यूशन इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, बस ये तो करना है, ठीक है। तो ये था हमारे पास बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज, उसका मैथमेटिकल्स जो हमने अभी कैलकुलेशन देखी है, और ये सारे टूल आपको यूज करने हैं कैलकुलेशन, समझ में बात आ गई, ठीक है। तो नोट करते जाओ जरा फटाफट। अब लास्ट बच्चों हम इसमें पढ़ेंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, है ना, थोड़ा समझिए एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, फिर इस चैप्टर को हम करते हैं फिनिश। तो हेडिंग लगाएंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, दूसरी हेडिंग है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है बच्चों। अगर मैं छोटा लिख रहा हूं तो मुझे बता देना, है ना, नेक्स्ट टाइम मैं इंप्रूव करूंगा, ठीक है। अच्छा देखो, जो भी हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इनका काम क्या होता है, टू डिटरमाइन
मॉलिक्यूलर मास ऑफ, ये तो है ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट. तो ऑल कॉलिग्रेव प्रॉपर्टी आर यूज टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट. और बच्चों जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ या नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट. ये तो है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट, ये तो हुआ. तो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट के बेसिस पे हम उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से क्या करते हैं, उस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास पता करते हैं. ठीक है. तो बच्चों हमारे पास कभी कभी क्या होता है, देखो जो हमने मॉलिक्यूलर मास किसी सॉल्यूट का कैलकुलेट किया है वो अलग होता है और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यानी एक्सपेरिमेंटल जो मॉलिक्यूलर मास है वो अलग आता है. देखो दो चीजें होती है, नंबर वन कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. एक तो हमने मॉलिक्यूलर मास इस पता से किया, दूसरा जब हम उसको जो है एक्सपेरिमेंट में रखते हैं यानी किसी मशीन से हम उसका मॉलिक्यूलर मास नोट करते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास. तो बच्चों उस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास एक्सपेरिमेंट से अलग आता है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के कैलकुलेशन से अलग आता है. ठीक है. तो यहां इन दोनों चीजों में जो डिफरेंट होता है, डिफरेंट वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास इज कॉल्ड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास. एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू उस मॉलिक्यूलर मास की अलग आ रही है और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से कैलकुलेशन करने पे मॉलिक्यूलर मास आ रहा है वो अलग आ रहा है. दिस प्रॉपर्टी ऑफ इज सॉल्यूट इज कॉल्ड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास. अच्छा ऐसा क्यों हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट भाई, कैलकुलेशन से भी सेम आनी चाहिए और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी सेम आनी चाहिए. ठीक है, क्या डिफरेंस हो गया. तो बच्चों ऐसा तभी होता है जब कुछ सर्टेन कंडीशन अप्लाई होती है. देखो व्हाई द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बिकम एबनॉर्मल. ठीक है, तो ये इतना समझ में आ गया कि दोनों में डिफरेंस आता है. ठीक है, अभी बताता हूं मैं आपको क्यों डिफरेंस आता है. ठीक है, देखो द एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इज ड्यू टू नंबर वन, कुछ कंडीशन होगी तभी जाके एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होगा, अदरवाइज नहीं होगा. नंबर वन, सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा. दूसरा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज टू हाई, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी सॉल्यूट की. और तीसरी बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, इफ नहीं सॉल्यूट, सीधे है ना, सॉल्यूट इज अंडरगोइंग एसोसिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है देखो, एसोसिएशन और डिसोसिएशन. अगर बच्चों ऐसा आपने कोई सॉल्यूट लिया है जो एसोसिएशन हो रहा हो यानी एक मॉलिक्यूल जुड़ के कुछ और बना रहे हैं, या डिसोसिएशन हो रहा हो मॉलिक्यूल दो पार्टिकल में टूट रहा है, तो उस केस में जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो कैलकुलेटेड अलग हो जाएगा और एक्सपेरिमेंटल उसका अलग हो जाएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसी वजह से जो है मॉलिक्यूलर मास अलग आता है. अब मैं आपको एग्जांपल करके बताऊं. देखो तो बच्चों एक चीज ध्यान रखनी, आपको सारे सॉल्यूट में मॉलिक्यूलर मास एबनॉर्मल नहीं आता है, कुछ ऐसे सॉल्यूट हैं जिनमें मॉलिक्यूलर मास एबनॉर्मल आता है बस. और वो कौन से सॉल्यूट है देखो कैसे होता है. इतना समझ में आ गया. ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है मैंने आपको बता दिया, और ऐसा किन सॉल्यूट में होगा अब वो देखिए. तो देयर आर टू टाइप ऑफ
सल्यूट्स, एक सल्यूट होते हैं बच्चों हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट का मतलब क्या होनी चाहिए, या तो ये सॉल्ट होंगे, या तो ये एसिड होंगे, या तो ये बेस होंगे, ये तो ना एसिड्स बेसिस या सॉल्ट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट अभी हम जो पढ़ रहे थे, जैसे यूरिया या सुक्रोस। तो बच्चों नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, ना तो इनका डिसोसिएशन होता है ना तो एसोसिएशन होता है। सपोज देखो, अगर आप सुक्रोज को आप वाटर में डिसॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये सुक्रोज का एक्वस सॉल्यूशन बना देगा। तो सुक्रोज का बच्चों एक मोल पहले भी रहेगा, और जब ये सॉल्यूशन में जाएगा तो भी ये एक मोल ही रहने वाला है। तो सॉल्यूट भी एक मोल था, वाटर में डिसॉल्व होने के बाद भी एक ही मोल रहा। तो यहां से कैलकुलेट करने के जब आप यहां जाओगे तो बात एक ही है, क्योंकि डिफरेंस आ ही नहीं रहा है। लेकिन यहां थोड़ा अलग कहानी हो जाती है। सपोज आपके पास है NaCl, और NaCl को आपने वाटर में डिसॉल्व किया, तो NaCl का तो क्या था, एक मोल था, है ना बच्चों। तो जब NaCl वाटर में डिसॉल्व होगा तो ये Na प्लस और Cl माइनस बना देगा, तो Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस, यानी अब इसने दो पार्टिकल बना दिए, दो मोल बना दिए, एक मोल सोडियम आयन और एक मोल क्लोराइड आयन। तो देखो वन मोल एंड वन मोल, ये देखो ये हुआ, यानी एक मोल से दो मोल पार्टिकल बने, टू पार्टिकल, टू मोल पार्टिकल्स। तो यहीं पर बच्चों एबनॉर्मल मास हो जाता है, क्योंकि डिसोसिएशन हो रहा है। जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर। तो पहले सल्यूट एक, यानी एक ही पार्टिकल था, एक ही मोल था, लेकिन जब हमने उसे वाटर में डिसॉल्व किया तो वो दो पार्टिकल में, यानी दो मोल में कन्वर्ट हो गया। तो अब तो जो है जो मॉलिक्यूलर मास है वो तो डिफरेंस आना है, क्योंकि आप जो है इसके हिसाब से मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करोगे। लेकिन बच्चों नंबर ऑफ पार्टिकल उस सॉल्यूशन में बढ़ गए, डबल हो गए, तो अब जो मॉलिक्यूलर मास है वो डबल हो जाएगा। तो ये डिफरेंस मॉलिक्यूलर मास में तभी आता है जब आप इलेक्ट्रोलाइट टाइप के सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं, समझे मेरी बात। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, देखो यहीं पर बता दे, हाँ। दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे हमारे पास है एसिडिक एसिड, तो ये जो एग्जांपल मैंने आपको बताया था ये डिसोसिएशन का था, मैं एसोसिएशन का आपको बताता हूं। CH3COOH, ठीक है, एसिडिक एसिड के हमने दो मोल लिए, और जब बच्चों एसिडिक एसिड को हम बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं तो एसिडिक एसिड क्या होता है, दो मॉलिक्यूल आपस में मिलके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू डाइमर बना लेते हैं, डाइमर। और ये डाइमर कैसे होता है, देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच एच ओ सी आर डबल बॉन्ड ओ एच, ये देखो। तो एसिडिक एसिड के दो मोल आपस में मिलके डाइमर बना दिए। तो यहां पर बच्चों सॉल्यूट के कितने मोल थे, दो मोल, और यहां पर जाके कितने मोल हो गए, वन मोल। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो गए, पहले नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा थे, अब नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो गए। तो दो मोल जब एक मोल देता है तो जो हमारी कैलकुलेशन होगी वो अलग होगी, और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो तो अलग होगी। तो इसी वजह से बच्चों जो मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस आता है उसी को हम बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। और वो कौन से सॉल्यूट करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट टाइप के सॉल्यूट, यानी सॉल्ट एसिड एंड बेस। और तभी पॉसिबल है जब डिसोसिएशन होगा या एसोसिएशन होगा। समझ में बात आ गई, तो नोट करो जरा फटाफट, ठीक है। अब बच्चों इसमें आगे बात करते हैं, ये हो गया, ये भी हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, एसोसिएशन डिसोसिएशन हो गया, है ना। अब बच्चों इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं,
अब हमने यही पता करना है कि जो सल्यूट है वो कितना एसोसिएट हो रहा है या कितना डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, तो यहां पर एक चीज आपको पढ़नी है, वॉन्ट हॉफ फैक्टर। अभी आपने वॉन्ट हॉफ इक्वेशन पढ़ी थी, अब पढ़ेंगे हम वॉन्ट हॉफ फैक्टर, और वॉन्ट हॉफ फैक्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, है ना। तो देखो जरा, टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, है ना, किस अमाउंट में वो सल्यूट एसोसिएट हो रहा है और किस अमाउंट में वो डिसोसिएट हो रहा है। यहां पर हम एक फैक्टर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड वॉन्ट हॉफ फैक्टर, वॉन्ट हॉफ फैक्टर, वॉन्ट ऑफ फैक्टर से हम इसको पता लगाते हैं और इसको हम बच्चों स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर किसका रेशियो होता है, देखो वॉन्ट ऑफ फैक्टर होता है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना, या हाँ कैलकुलेटर तो नहीं बोलेंगे हम इसे बोलेंगे हाँ कैलकुलेटेड, हाँ ठीक 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 है ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। ऑब्जर्व्ड कितनी है यानी एक्सपेरिमेंटल कितनी आई है और कैलकुलेशन करने से कितनी आई है, इन दोनों के रेशो का जो डिफरेंस आता है वही होता है वॉन्ट ऑफ फैक्टर, ठीक है। और बच्चों इसको अगर मैं मॉलिकुलर मास में लिखना चाहूं तो हम सब लोग जानते हैं किसी सल्यूट का मॉलिकुलर मास जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, पता है सबको, अगर आपने जो है इक्वेशन पढ़ी होगी तो एम इधर था और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नीचे थी, ठीक है। तो यहां पर ये उल्टा हो जाएगा एकदम, तो यहां पर आ जाएगा बच्चों कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास, या हम इसको मोलर मास लिखेंगे ज्यादा अच्छा है, कैलकुलेटेड मोलर मास बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ऑब्जर्व्ड मोलर मास, बस मोलर मास में ऐसा लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, आई इक्वल टू एम सी बटे एम ओ, ये। तो चाहे आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इसका रेशियो निकालना चाहो, चाहे आप मॉलिक्यूलर मास में इसका रेशियो निकालना, लेकिन उल्टा हो जाएगा बच्चों, इधर चला जाएगा इधर चला जाएगा, क्योंकि ये उल्टा होता है पूरा के पूरा, है ना। तो आई इक्वल टू एम सी बटे आई इक्वल टू एम ओ, तो दिस इज कॉल्ड वॉन्ट हॉफ फैक्टर, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब जो भी हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, पहले मैं जरा पानी पी लूं भाई, गला सूख गया। अब बच्चों देखो, जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हम उसमें से वॉन्ट ऑफ फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉन्ट ऑफ फैक्टर थोड़ा सा उसमें हम ऐड कर देंगे, तो एक नई हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ गई जो एकदम परफेक्ट मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने की, ठीक है। तो चलो देखो, तो चार हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, उन चारों में थोड़ा सा चेंज करके हम क्या करेंगे, नई इक्वेशन को डिराइव करेंगे, ठीक है। तो चार कौन कौन सी थी, सबसे पहले हमारे पास है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। और इसकी इक्वेशन पहले कौन सी थी बच्चों, देखो पी एस जीरो माइनस पी एस बटे पी एस जीरो इक्वल टू एन टू बाई एन वन, ऐसा कुछ था। अब जो नई इक्वेशन बनी है नाउ, तो इसमें बच्चों क्या करेंगे हम, पी एस जीरो बटे पी एस इक्वल टू
वॉन्ट ऑफ फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे एन टू बाई एन वन, बस ये वॉन्ट ऑफ फैक्टर मैंने मल्टीप्लाई, तो सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऐसा करना है हमने, वॉन्ट ऑफ फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देना है, बस एक नई चीज आ जाएगी हमारे पास। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। अच्छा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कैसा था बच्चों हमारे पास, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के बी इंटू एम, पहले ऐसा था, अब कैसे हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी कौन थी, एलिवेशन ऑफ, एलिवेशन ऑफ बॉलिंग पॉइंट, है ना। अच्छा, के बी ना ना, के बी नहीं, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, अब जो नई बनी वो कैसे बनेगी, डेल्टा टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, बस। और तीसरी वाली कौन सी बच्चों, चौथी वाली ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर वाली कौन सी थी, पाई वी इक्वल टू एन आर टी, ऐसे कुछ था, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगी बच्चों, पाई वी इक्वल टू आई इंटू एन इंटू आर इंटू टी, यही आई एन आर टी, बात खत्म हो। तो इस तरह से हम थोड़ा सा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसमें हम वॉन्ट ऑफ फैक्टर को मल्टीप्लाई करके नई इक्वेशन बनाएंगे, और अब जो हमारा काम है वो आसानी से हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो वो जो अबनॉर्मल मॉलिकुलर मास आ रहा था वो अब नहीं आएगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़नी है, फिर खत्म करते हैं, है ना बच्चों। जो हमारा वॉन्ट ऑफ फैक्टर है वो किसी पर्टिकुलर सल्यूट के लिए, इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट के लिए कितना होना चाहिए, इस पर काफी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट इफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट, तो जो आई की वैल्यू है वो एक से कम हो जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, है ना। डिसोसिएट होता है, डिसोसिएट नहीं, डिसोसिएट होता तो आई की वैल्यू एक से ज्यादा होगी, सॉरी, इफ इलेक्ट्रोलाइट एसोसिएट, तो जो वॉन्ट ऑफ फैक्टर है वो एक से कम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर डिसोसिएट होता है, टूटता है, तो वैल्यू एक से ज्यादा होगी, और एसोसिएट होता है तो वैल्यू एक से कम होगी, ठीक है। अब मैं अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट आपको दिखाऊंगा और वहां पे बताऊंगा कि वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी होने वाली है, ठीक। तो हम दूसरी चीज दिखेंगे, इफ सल्यूट इज 100% डिसोसिएट, 100% डिसोसिएट होता है तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी। देखो, अगर मैंने लिया NaCl, ठीक है बच्चों, तो NaCl के लिए जो I होगा वो होगा 2। अब NaCl के लिए I 2 कैसे आया, देखो, इफ सल्यूट इज 100% डिसोसिएट द वॉन्ट ऑफ फैक्टर इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोलाइट्स, समझे बात। तो अगर कोई सल्यूट 100% डिसोसिएट होता है तो आई की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, कितने आयन प्रोड्यूस कर रहा है। तो बच्चों, NaCl कितने आयन प्रोड्यूस करेगा, 2, तो आई की वैल्यू कितनी होगी, 2। अच्छा, KCl कितने आयन प्रोड्यूस करेगा, 2, इसकी वैल्यू भी 2 होगी। अच्छा, MgSO4 कितने आयन प्रोड्यूस करेगा, 2, तो इसके लिए भी आई की वैल्यू कितनी होगी, 2। अच्छा बोलो, K2SO4 कितने आयन प्रोड्यूस करेगा, 3, 2 पोटेशियम और 1 सल्फेट, तो बच्चों अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो डिपेंड करता है कि हमारा सल्यूट कितने नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस कर रहा है, ध्यान रखना है ना। तो उस हिसाब से हम वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं,
समझे मेरी बात? अच्छा, इसमें एक कंफ्यूजन वर्ड आता है, वॉन्ट हाफ वैल्यू, वॉन्ट हाफ वैल्यू। अच्छा, कई बार कंफ्यूज करता है व्हाट इज वॉन्ट ऑफ वैल्यू। तो बच्चों, वॉन्ट ऑफ वैल्यू क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। सपोज मान लीजिए हमारे पास NaCl सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉरी NaCl क्या है, सॉल्यूट है, और इसको आप किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व कर रहे हो। तो सॉल्वेंट की मोलर कंसंट्रेशन आपने रखी है 0.01, पहले रखी है 0.1, उसके बाद रखी है 0.01, और उसके बाद रखी है 0.001, यानी आपने तीन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। तो बच्चों देखो, NaCl में अगर कम सॉल्वेंट है तो NaCl कम डिसोसिएट होंगे तो वैल्यू भी कम होगी, ठीक है। तो वैल्यू मान लीजिए हमारे पास हो रही है 1.87, ठीक, और डाइल्यूट आपने किया तो 1.94, और डाइल्यूट किया 1.97, और अगर 100% आपने डाइल्यूट कर दिया पूरा के पूरा तो तब क्या हो जाएगा बच्चों में? 2, देखो 2 लिए तो लिखा है। इफ सॉल्यूट इज 100% डिसोसिएट तो ये जो है वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू है, पूरे के पूरे आयन डिसोसिएट हो जाएंगे। तो बच्चों NaCl कितना डिसोसिएट होगा ये डिपेंड करेगा कि आपने सॉल्यूशन को कितना डाइल्यूट किया। जितना ज्यादा आप पानी डालते जाओगे NaCl के, उतने ज्यादा नंबर ऑफ आयन बढ़ते जाएंगे। तो वैल्यू में और फैक्टर में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। वैल्यू जो है कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं, लेकिन फैक्टर किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ आयन कितने प्रोड्यूस हुए हैं, वो तभी होगा जब 100% डिसोसिएट हो। समझ में बात आ गई? तो बस यही था बच्चों एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। चलो, तो ये था हमारे पास सॉल्यूशन के 6 के 6 लेक्चर मैंने फिनिश कर दिए। कहीं कोई कंफ्यूजन हो रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब मैं कुछ आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट बताऊंगा 1-2 लेक्चर में, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।